आज के समय में जब एकल परिवार चलन में है तो ऐसे में साझा परिवार का अनूठा उदाहरण पंजाब के लुधियाना में देखा जा सकता है। यहाँ पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के बाहर दो भाइयों सुरजीत सिंह और सुखदेव सिंह ने 60 साल पहले चाय की दुकान शुरू की थी। अब इसे उनकी दूसरी पीढ़ी संभाल रही है। 1912 से यूनिवर्सिटी बनी है। 1912 से मैं इत्थे आया। यूनिवर्सिटी की स्थापना 1962 में हुई थी। हम भी उसी साल यहाँ आए। शुरुआत में कई लड़के बाहर से पढ़ने आते थे। हम सुबह 5 बजे दुकान खोलते और रात के 3 बजे तक यहाँ होते थे। लड़के चाय और पराठा खाते तो सिनेमा वाले चाय पीने आते थे। हमने भी पूरी रात काम किया है। 1962 में हम एक कप चाय 15 पैसे, मट्ठी 10 पैसे और खाना 60 पैसे में खिलाते थे। आज भी विश्वविद्यालय के कई पूर्व छात्र जब भी घर आते हैं तो यहाँ जरूर आते हैं और चाय पराठे खाते हैं। यूनिवर्सिटी के पहले वीसी औलख यहाँ आते थे। वे मुझे अच्छी तरह जानते हैं। उनका बेटा जो डॉक्टर है वह भी हमसे मिलने आया। उसने मुझसे चपाती ली। मैंने उससे कहा, बेटा मेरी बात सुनो, जब तुम्हारे पिता यहाँ पहले साल पढ़ने आए थे तो उनका हिसाब मेरे पास था। यह सुनकर उसने आदर भाव से मुझे सलाम किया। जो विदेश में बसे हैं वे जब भी यहाँ आते हैं तो मुझसे मिलते हैं। वे कहते हैं, हमें याद है कि आपकी रोटियाँ और पराठे खाकर हम डॉक्टर वीसी बन गए हैं। हम आपका एहसान नहीं चुका सकते। रोटियाँ पराठे खा के अच्छे तक डॉक्टर वीसी सब बने हैं, फिर असी थोड़ा देनदार नहीं दे सके। कोविड महामारी के दौरान उन्हें भी दूसरों की तरह बहुत कुछ झेलना पड़ा। विश्वविद्यालय और सब कुछ लॉकडाउन में बंद था। बंदे रहे। स्टॉल बंद ही रहता था। कोई आता तो घर से रोटी पानी और चाय लेकर आते थे, तो ये बंद ही रहा। अगर पार्टनरशिप की बात करें तो ये दोनों भाई पिछले 60 साल से एक ही चाय की दुकान चला रहे हैं। आज तक हम कभी नहीं लड़े, कभी नहीं। उन्हें इस बात का दुख है कि संयुक्त परिवार की पुरानी परंपरा लुप्त होती जा रही है। मुंडे भी हैं, 18 जी हैं घर। हमारे भी 4 बेटे हैं। हमारे घर में कुल 18 लोग हैं। तवे पर रोटी बनती है और हम सब एक साथ खाते हैं। कोई किसी से नहीं लड़ता। मैंने पढ़ाई भी की है, नौकरी भी की है, परिवार का भरण पोषण किया है। भाई की मर्जी से फैक्ट्री की नौकरी छोड़कर चाय की दुकान शुरू की है। इस काम में हमारा दिल दिमाग पूरी तरह से लगा हुआ है। दोनों भाइयों को गुरु अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी गढ़वासु द्वारा सम्मानित किया गया। 80 साल की उम्र का आपसी प्यार और प्रोत्साहन समाज के लिए एक मिसाल है। पहले 50-60 लोग एक साथ रहते थे, अब 20-25 लोग भी एक साथ नहीं रह सकते। पहले बहुत स्नेह होता था, मिलना और साथ रहना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन आजकल के जमाने में स्नेह नहीं है। ये लोगों को प्यार करने और साथ रहने की प्रेरणा देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ETV भारत ऐप।